नमस्कार दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावकों और दर्शकों को एक बार फिर मैं अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज के मेरे इस वीडियो का विषय है श्री मन्मथनाथ गुप्त जी द्वारा रचित संस्मरण सरफरोशी की तमन्ना पाठ के प्रश्नोत्तर। शुरू करने से पहले अगर आपने इस कहानी का एनिमेटेड वीडियो नहीं देखा है तो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस आई बटन पर क्लिक कीजिए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। मौखिक का पहला प्रश्न है, उस दिन को विशेष क्यों कहा गया? इसका उत्तर है, उस दिन को विशेष इसलिए कहा गया क्योंकि वह दिन स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में अनोखा था। उस दिन देश को स्वतंत्र कराने के प्रयास में क्रांतिकारियों की न्याय न देकर उन्हें फांसी और काले पानी की सजा दी गई। इससे क्रांतिकारियों के भारत को अन्यायी सरकार से छुटकारा दिलाने के इरादे और भी दृढ़ मजबूत हो गए। अगला प्रश्न है, हर रोज अब्दुल का व्यवहार कैसा होता था? इसका उत्तर है, हर रोज अब्दुल सबसे प्रसन्नता पूर्वक व्यवहार करता था। वह किसी का गाना सुनता था तो किसी के साथ शतरंज खेलता था। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी के योद्धा किस तरह की पोशाकें पहनकर युद्ध करने जाते थे? इसका उत्तर है, हल्दी घाटी के युद्ध में राजपूत अपने विशेष वस्त्र केसरिया बाना पहनकर मृत्यु को गले लगाने जाते थे। केसरिया रंग त्याग और बलिदान का रंग माना जाता है। अगला प्रश्न है, क्रांतिकारियों द्वारा गीत गाने से क्या पता चलता है? इसका उत्तर है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। यह क्रांतिकारियों का गीत था जिसके द्वारा वे अपने बलिदान की भावनाओं को प्रकट करते थे। इस समय न्यायालय के बाहर खड़ी भीड़ यह गीत गा रही थी कि वे सब उन क्रांतिकारियों के साथ हैं जिनके साथ न्याय के नाम पर अन्याय किया जा रहा है। कोई भी मृत्यु से भयभीत नहीं था। लिखित का पहला प्रश्न है, अदालत जाने से पहले सबने क्या क्या तैयारियां की? इसका उत्तर है, अदालत जाने से पहले सबने आनुष्ठानिक तरीके से भोजन किया, अच्छे कपड़े पहने। ठाकुर रोशन सिंह ने इत्र की शीशी से सबको थोड़ा थोड़ा इत्र लगाया। अगला प्रश्न है, सबने एक साथ भोजन क्यों किया? इसका उत्तर है, सबने एक साथ भोजन इसलिए किया क्योंकि उन्हें इस बात का आभास हो गया था कि यह उनका अंतिम भोजन है। अगला प्रश्न है, फांसी के कैदियों वाली तीन कोठरियां साफ करवाने की घटना से क्या पता चलता है? इसका उत्तर है, निर्णय वाले दिन फांसी की कोठरियां साफ करवाई गई थी। इस घटना से पता चलता है कि तीन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी जाने वाली थी। अगला प्रश्न है, फांसी की सजा सुनकर किस किस की क्या क्या प्रतिक्रिया हुई? इसका उत्तर इस प्रकार है, फांसी की सजा सुनकर राहेंद्र लाहिड़ी के चेहरे पर हमेशा की तरह बाल सुलभ मुस्कान थी। राम प्रसाद बिस्मिल के चेहरे पर अवज्ञा का भाव था तथा ठाकुर रोशन सिंह के चेहरे पर खुशी और विजय का भाव था। आशय स्पष्ट कीजिए, रोशन सिंह ने हंसते हुए हमें ऐसे देखा मानो वे तो सीधे स्वर्ग चले और हम रह गए।
इस पंक्ति का आशय यह है कि ठाकुर रोशन सिंह के मन में यह भाव था कि देश पर बलिदान होकर वे जीत गए हैं और अन्य सभी को प्रतीक्षा करनी है। अगला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर सही का चिन्ह लगाइए। पहला प्रश्न है, खाना खाने के समय बिस्मिल ने क्या सोचा? आपके ऑप्शंस हैं, आज एक ही थाली में भोजन करना चाहिए, आज अनुष्ठानिक तरीके से भोजन करना चाहिए, तीसरा आज भोजन नहीं करना चाहिए, चौथा आज रोज से ज्यादा भोजन करना चाहिए। इसका उत्तर है, आज अनुष्ठानिक तरीके से भोजन करना चाहिए। अगला प्रश्न है, जेलर को बेड़ियां डालने के लिए क्या हिदायत थी? आपके ऑप्शंस हैं, बेड़ियां ढीली डाली जाए, दूसरा बेड़ियों की कीलों की जांच कर ली जाए, तीसरा बेड़ियां उसके द्वारा खुद पहनाई जाए, या फिर बेड़ियां डालने के बाद चलना संभव हो। इसका उत्तर है, बेड़ियों की कीलों की जांच कर ली जाए। अगला प्रश्न है, अदालत के बाहर का दृश्य कैसा था? ऑप्शन इस प्रकार है, चारों ओर सन्नाटा था, या फिर बाहर खड़ी भीड़ गाना गा रही थी, तीसरा भीड़ देशभक्ति के नारे लगा रही थी, या फिर लोगों का विशाल समूह एकत्र था। इसका उत्तर है, बाहर खड़ी भीड़ गाना गा रही थी। अगला है, मूल्य परक प्रश्न। प्रश्न इस प्रकार है, अपने स्वाभिमान की रक्षा हम कैसे कर सकते हैं? इसका उत्तर इस प्रकार है, मर्यादित आचरण से ही स्वाभिमान की रक्षा होती है। इसकी रक्षा के लिए हमारे व्यक्तित्व में संतोष, धैर्य, त्याग, वाणी और व्यवहार की मधुरता, संयम, जीवन मूल्यों के पालन की प्रवृत्ति, दूरदर्शिता, नकारात्मक टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया न देने का भाव तथा अपने सिद्धांतों के प्रति दृढ़ता का गुण होना चाहिए। लोभ से आकृष्ट न होने की प्रवृत्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। अगला प्रश्न है, असंख्य वीरों के प्राणों के मोल पर मिली स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए? इसका उत्तर इस प्रकार है, हमारी स्वतंत्रता बहुत अनमोल है, हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि इतने संघर्ष और बलिदानों के बल पर मिली स्वतंत्रता का सम्मान करें और उसकी रक्षा के लिए तत्पर रहें, क्योंकि वही राष्ट्र या जाति जीवित रह पाती है जो स्वाधीनता का मूल्य जानती है और विकट स्थितियों में भी नत हुए बिना अचल स्थाई खड़ी रहती है। अगला प्रश्न है, भाषा ज्ञान। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन बनाइए। चेहरा, चेहरे, कपड़ा, कपड़े, पोशाक, पोशाकें, मुश्किल, मुश्किलें, शीशी, शीशियां, बेड़ी, बेड़ियां, कोठरी, कोठरियां, छुट्टी, छुट्टियां। अगला प्रश्न है, नुक्ता अरबी फारसी के शब्दों में क, ख, ग, ज, फ वर्णों के नीचे लगता है, परंतु मानक हिंदी में केवल ज और फ के नीचे नुक्ता लगाया जाना ही स्वीकृत है। बाकी ध्वनियों का अंतर्भाव हिंदी की ध्वनियों में ही हो गया है। तो प्रश्न इस प्रकार है कि पाठ में आए नुक्ता वाले शब्द ढूंढकर लिखिए। इसका उत्तर इस प्रकार है, रोज, साफ, फैसला, कागज, सरफरोशी,
तरफ आवाज सजा। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों में एक प्रत्यय जोड़कर शब्द लिखिए। स्वभाव स्वाभाविक, अनुष्ठान आनुष्ठानिक, प्रकृति प्राकृतिक, संस्कृति सांस्कृतिक, परलोक पारलौकिक, सप्ताह साप्ताहिक। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे वाक्य पढ़िए। रसोइये ने खाना बनाया। दूसरा वाक्य है, सब सुबह सुबह उठ गए। पहले वाक्य में बनाया एक क्रिया है, दूसरे वाक्य में उठ के साथ गए भी जुड़ा है। यहाँ उठ मूल क्रिया है और गए उसे पूरा कर रही है। इस तरह मूल क्रिया के साथ जुड़ने वाली क्रिया को रंजक क्रिया कहते हैं। मूल क्रिया के साथ रंजक क्रिया जुड़ने से संयुक्त क्रिया बनती है, जैसे चिल्ला उठा, जाने लगा, दौड़ा आया आदि। इसी पर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संयुक्त क्रियाओं से वाक्य बनाइए। चिल्ला उठे, अजनबी को देखते ही बच्चे चिल्ला उठे। अगला है, निकल जाना, इतना कहकर वह निकल गया। उखाड़ डाला, तेज हवा ने पेड़ को जड़ से उखाड़ डाला। गिर गया, वह अचानक पलंग से गिर गया। बोलने दो, उसे बोलने दो। अगला प्रश्न है, प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। विकारी शब्द, जिनमें लिंग वचन कारक काल आदि के कारण परिवर्तन आ जाए उन्हें विकारी शब्द कहते हैं, और जिनमें कोई भी परिवर्तन ना आए उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार है, नीचे लिखे शब्दों के आगे विकारी या अविकारी शब्द लिखिए। ईमानदार विकारी तथा अविकारी और अविकारी, गाड़ी विकारी, रोटी विकारी, धीरे धीरे अविकारी, खा रहा है विकारी, हम विकारी। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे गए वाक्यों को शुद्ध कीजिए। इनका उत्तर इस प्रकार है, पहला, मैंने तुमसे यह बात कही। दूसरा, चारों तरफ आवाजें गूंज रही थीं। तीसरा, जज के आते ही सन्नाटा छा गया। चौथा, रास्ते में हमने एक गाड़ी देखी। अगला प्रश्न है, दिए गए अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अंग्रेज सरकार ने जनता को कुचलने के लिए दमनकारी बिल केंद्रीय असेंबली में पेश किया। देश ने एक स्वर में उसका विरोध किया। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंका और जानबूझकर वहीं गिरफ्तार हो गए। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद के और भी साथी गिरफ्तार हो गए। तब दल के पुनर्गठन और उसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अकेले आजाद के कंधों पर आ गई। इसके लिए उन्हें प्रयाग जाना पड़ा। एक दिन वे अल्फ्रेड पार्क में बैठे हुए थे। एक विश्वासघाती द्वारा सूचना देने पर एकाएक अंग्रेज सिपाहियों का एक बड़ा दल वहां आ पहुंचा। चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेज सरकार के हाथ आने से कहीं अच्छा अपने देश के लिए शहीद होना समझा। इस पर आधारित प्रश्न और उत्तर इस प्रकार है, पहला प्रश्न है, अंग्रेज सरकार ने क्या पेश किया। इसका उत्तर है, अंग्रेज सरकार ने
दमनकारी बिल केंद्रीय असेंबली में पेश किया। दूसरा प्रश्न है, दमनकारी बिल पेश करने का क्या परिणाम निकला? इसका उत्तर है, दमनकारी बिल को पेश करने पर पूरे देश ने एक स्वर में विरोध किया। अगला प्रश्न है, असेंबली में बम किसने फेंका? इसका उत्तर है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंका। चौथा प्रश्न है, भगत सिंह आदि की गिरफ्तारी के बाद आजाद पर क्या जिम्मेदारी आ गई? इसका उत्तर है, भगत सिंह की गिरफ्तारी के बाद आजाद पर दल के पुनर्गठन और आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आ गई। अगला प्रश्न है, अंग्रेज सिपाहियों से घिर जाने पर आजाद ने क्या किया? इसका उत्तर इस प्रकार है, अंग्रेज सिपाहियों से घिर जाने पर आजाद ने अपने देश के लिए शहीद होना अधिक अच्छा समझा। अगर आपको इस वीडियो से लाभ हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस पाठ की जानकारी को शेयर कीजिए। और ऐसे ही अन्य पाठों के एनिमेटेड वीडियो, कविताओं के सरलार्थ और प्रश्नोत्तर की जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में देखें। और हिंदी भाषा से लगातार अपडेट रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक नए पाठ के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।